नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सेंटेंसेस पब्लिक स्कूल। दिस इज चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ 9th क्लास, एंड दिस इज वीडियो नंबर 15। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एटॉमिक मास। देखिए एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास का मीनिंग है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होगा दैट इज एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होगा दैट इज एटॉमिक मास। ठीक है, बट यहां एक प्रॉब्लम आती है एटॉमिक मास के मेजरमेंट में। एटॉमिक मास के मेजरमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम क्या है? तो एक प्रॉब्लम ये है कि एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल, सो मास ऑफ एटम इज ऑल्सो एक्सट्रीमली स्मॉल। कहता है कि एटम जो है वो बहुत छोटा होता है और उसका मास भी बहुत छोटा होता है, तो इतनी छोटी चीज का मेजरमेंट कैसे हो पाएगा? एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। बाकी जो एटम है जो बहुत छोटा है तो उसका मास भी क्या होगा? बहुत छोटा होगा। दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एटॉमिक मास के मेजरमेंट। जैसे आपके पास मास ऑफ पेन है वो 20 ग्राम है, मास ऑफ एप्पल 200 ग्राम है, मास ऑफ वन पपाया इज 1000 ग्राम। ठीक है, बट इसी तरीके से अगर आपको बोला जाए कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, दैट इज 1.67 इंटू में 10^-24 ग्राम, है ना? ये वैल्यू होती है जो मैंने लिखी है, आपको याद नहीं करनी, मैं बता रहा हूं आपको। तो ये जो वैल्यू है अगर इसको लिखा जाए तो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम ये है, बट यहां प्रॉब्लम क्या आती है कि जो ऊपर वैल्यूज लिखी हैं 20, 200, 1000, ये जो वैल्यूज लिखी हैं दीज आर बिग वैल्यूज, लार्जर वैल्यूज, ये बड़ी वैल्यूज है। और इसमें भी क्या है कि जो ये जो यूनिट है, ये जो यूनिट है इनकी, ये जो वैल्यू और ये यूनिट ये आपस में कंपेरेबल है। ये जो वैल्यू और ये जो यूनिट है ये आपस में कंपेरेबल है, इनको आसानी से एक दूसरे से कंपेयर किया जा सकता है। बट यहां एक हमारे साथ प्रॉब्लम ये आती है कि इस वाली वैल्यू में जो वैल्यू है दिस इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू, यू कैन से नेग्लिबल वैल्यू, नेग्लिबल वैल्यू है। ये जो वैल्यू है ना मास की, ये नेग्लिबल वैल्यू है। और ये जो ग्राम यूनिट लिखा हुआ है दिस इज टू बिग यूनिट, है ना? ये बहुत बड़ी यूनिट है। तो यहां जो एटम्स का मास है उसे मेजर करने में हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक मास क्या होता है। जो एक एटम का मास है, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास है, वो एटॉमिक मास कहलाएगा उसका। अब एटॉमिक मास को मेजर करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एटम बहुत छोटा है और मास भी बहुत छोटा होता है। तो यानी मास बहुत थोड़ा है और जो यूनिट ग्राम है ये बहुत बड़ी यूनिट है एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। तो दो प्रॉब्लम अराइज होती है एटॉमिक मास के मेजरमेंट में, और देखिए वो क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो देर आर टू प्रॉब्लम्स इन मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास की, एक तो एटम बहुत छोटा है तो मास भी बहुत छोटा होगा उसका, और दूसरा जो है कि जो यूनिट है ग्राम और किलोग्राम, ये काफी बड़ी यूनिट है एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए।
सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज इंट्रोड्यूस्ड। रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या करा गया, निकाला गया या बताया गया, ठीक है। एंड अ न्यू यूनिट इज ऑल्सो डिजाइंड, एक नई यूनिट बनाई गई किसके लिए, एटॉमिक मास के लिए। और एटॉमिक मास के मेजरमेंट के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्या करा गया, इंट्रोड्यूस किया। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या कॉन्सेप्ट था, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, हम इस अर्थ पे किसी भी चीज की रिलेट, किसी भी चीज का एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते, है ना। हम इस अर्थ पे किसी भी चीज की रिलेटिव, सॉरी, किसी भी चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते। मींस वी कैन नॉट मेजर एब्सोल्यूट वैल्यू of mass on this earth। अब खाली मास ही नहीं, चाहे वो लेंथ हो चाहे वो टाइम हो, हम जो है कभी भी किसी भी चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू, एक बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, वी ऑलवेज कैलकुलेट कंपेरेटिव वैल्यू। हम हमेशा एक कंपेरेटिव वैल्यू निकालते हैं, और ये कंपेरेटिव वैल्यू निकालना ही क्या कहलाएगा, रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहलाएगा। तो मतलब हमेशा एक रिलेटिव वैल्यू ही निकाली जाती है। रिलेटिव वैल्यू क्या करी जाती है, कैलकुलेट की जाती है। इस अर्थ पे हम कभी भी किसी चीज का एक एब्सोल्यूट मास कैलकुलेट नहीं करते। इसका मास, इस पेन का मास क्या है, आप बोलेंगे 20 ग्राम है। कैसे आपने निकाला, तो किसी ना किसी से तो कंपेयर करोगे ना इसको, एक एक जैसे जो जो बांट होते हैं, बट्टे होते हैं, वो रखोगे इसका मास मेजर करने के लिए, तो उससे आपने कंपेयर करा, है ना। दैट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। देखिए, जैसे आपके पास ये एक लड़का है, एक बॉय, ठीक है। अब इसका मास क्या है, तो आप बोलेंगे इसका मास मान लो 60 किलोग्राम। इसका मास 60 किलोग्राम है, कैसे पता, तो आपने कंपेयर किया होगा किसी ना किसी चीज से। तो वो मास आपने देखिए, आपके पास ऐसे करके बांट होता है जिसे आप बट्टा कहते हैं, ऐसे करके बट्टा होता है, तो वो जो 1 किलोग्राम का बट्टा है, इससे आपने इसको कंपेयर किया, और ये क्या है, ये स्टैंडर्ड, दैट इज स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड मास, ये स्टैंडर्ड मास है। तो इसका जो मास आपने 60 किलोग्राम जो बताया होगा, या आपने जो उसका मास बताया होगा 60 किलोग्राम, वो इससे कंपेयर करके आपने बताया होगा, ठीक है। तो मास ऑफ दिस बॉय क्या होना चाहिए, मास ऑफ बॉय इज इक्वल टू 60 इंटू में ये 1 किलोग्राम का जो वेट है, जो आपका ये बट्टा है, इससे 60 गुना है इस लड़के का मास, ठीक है। तो यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो मास जो मेजर किया जाता है, वो किसी ना किसी से कंपेयर करके मेजर किया जाता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो एक और एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए आप बाजार गए और आपने 2 किलोग्राम एप्पल खरीदे, आपने 2 किलो एप्पल खरीदी, है ना, 2 किलोग्राम आपने एप्पल खरीदी, एप्पल, और ये कितने हैं, 2 किलोग्राम।
तो कैसे आपको दिए होंगे उस दिन दुकान वाले ने, कैसे आपको 2 किलोग्राम एप्पल दिए होंगे, तो वो 2 किलोग्राम एप्पल के लिए उसने इस तरह के 2 बट्टों का यूज किया गया होगा। तो ये जो 2 बट्टे हैं, दैट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू, इससे कंपेयर करके आपको ये 2 किलोग्राम जो है एप्पल दिए गए हैं। तो सेम देखिए, ऐसे ही देखिए, जो 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड है, हमारे लंदन में यानी इंग्लैंड में जो है एक रॉड है, प्लैटिनम इरिडियम रॉड, प्लैटिनम और इरिडियम से बनी हुई रॉड है। ये रॉड 1 किलोग्राम है, दैट इज स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड। और दुनिया में जितने भी 1 किलोग्राम के जो वेट है, जितने भी 1 किलोग्राम के जो बट्टे हैं, वो कैसे बनाए गए, इसी से कंपेयर करके बनाए गए। जो 1 किलोग्राम के जितने भी बट्टे बनाए गए, वो सब इसी से कंपेयर करके बनाए। कहता है इन सेम वे टू मेजर द एटॉमिक मास वी आल्सो सिलेक्ट अ स्टैंडर्ड है। जैसे देखिए, और नॉर्मल चीजों का मास जो है वो नापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक स्टैंडर्ड मास यूज करते हैं और उससे कंपेयर करके मास मेजर कर लेते हैं। तो इसी तरीके से एटम्स का मास मेजर करने के लिए भी क्या सिलेक्ट किया गया है, एक स्टैंडर्ड एटम सिलेक्ट किया गया है, और बाकी के एटम्स का जो एटॉमिक मास है वो उसी से कंपेयर करके क्या कर लिया गया है, कैलकुलेट कर लिया गया है। और वो स्टैंडर्ड एटम क्या है जो हमने सिलेक्ट किया है या साइंटिस्टों ने सिलेक्ट किया है, वो स्टैंडर्ड एटम है कार्बन एटम। वो कार्बन एटम है और उसका जो एटॉमिक मास होता है, उसका जो एटॉमिक मास होता है वो हमारा होता है 12, है ना, जिसका एटॉमिक मास 12 है। यानी स्टैंडर्ड एटम हमने क्या सिलेक्ट किया है, स्टैंडर्ड एटम हमने सिलेक्ट किया है कार्बन का एटम, इसे हम ऐसे लिखते हैं C12 एटम, ये हमने सिलेक्ट किया है स्टैंडर्ड एटम। यूनिट यूज टू एक्सप्रेस द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट यूज की गई है, दैट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, AMU, ये यूनिट यूज की गई है। तो कार्बन के एटम का मास क्या होता है, जो कि स्टैंडर्ड है, कार्बन का एटॉमिक मास मींस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या है, दैट इज 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। देखिए, ध्यान रखने वाली बात है कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या है, 12 AMU है, और ये क्या है, कार्बन क्या होता है, कार्बन हमारा स्टैंडर्ड एटम, और यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट का यानी AMU को हम U भी लिखते हैं, सिर्फ U, और यहां पर जो U है दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड मास। तो देखिए, इस पूरे वीडियो में मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की, जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, एक एटम का मास एटॉमिक मास कहलाता है। अब क्योंकि एटम बहुत छोटा है तो उसका मास भी बहुत छोटा होगा, अब उसका मास बहुत छोटा है तो उसके मेजरमेंट में डिफिकल्टी आएगी, है ना। अब जब उसके मेजरमेंट में डिफिकल्टी आएगी, उसको सॉल्व करने के हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया, एक स्टैंडर्ड एटम सिलेक्ट किया, और वो स्टैंडर्ड एटम क्या है, कार्बन का C12 एटम। जितने भी एटम्स का मास है वो इसी से कंपेयर करके निकाला गया है या इसी के अकॉर्डिंग निकाला गया है। और यूनिट क्या सिलेक्ट किया, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम यू भी लिख सकते हैं यानी यूनिफाइड मास भी लिख सकते हैं।